मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुए एनएक्सटी 2.0 के शो के बारे में, जहां पर हमें कई सारे धमाकेदार मैचेस देखने को मिला। दोस्तों कुछ मैचेस पहले से ही WWE ने ऑफिशियल कर दिए थे, तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के शो के शुरुआत में हमें लेक नाइट देखने को मिलते हैं, जो कि रिंग में आते हैं और जो उन्होंने लास्ट वीक ग्रेसन वॉलर के साथ किया था उसको एड्रेस करते रहते हैं और कहते हैं कि ग्रेसन वॉलर WWE का सबसे घटिया रेसलर है। और एजे स्टाइल की तारीफ करते हुए लेक नाइट बोलते हैं कि एजे स्टाइल को ऐसे घटिया सुपरस्टार्स को रिप्लाई नहीं देना चाहिए, और लेक नाइट ग्रेसन वॉलर की वाइफ की भी बेइज्जती कर देते हैं। और तभी वहां ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं और ग्रेसन वॉलर अपने साथ एक लीगल नोटिस भी लिए हुए होते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि अगर लेक नाइट ग्रेसन वॉलर के 18 फीट के आसपास भी आएंगे तो उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों लेक नाइट कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छू सकता हूं, लेकिन ये सुपरस्टार तुम्हें अच्छे से तोड़ फोड़ सकता है। तभी हमें डेक्स्टर लूमिनस की एंट्री देखने को मिलती है। दोस्तों डेक्स्टर लूमिनस आते हैं और ग्रेसन वॉलर पर अटैक कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद ही हमें शो पर डेक्स्टर लूमिनस वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात करें मैच की तो मैच शो के शुरुआत के हिसाब से काफी कमाल का था और मैच में हमें काफी अच्छे अच्छे मूव्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है कि जब ग्रेसन वॉलर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तभी ग्रेसन वॉलर का बॉडीगार्ड पीछे से डेक्स्टर लूमिनस पर अटैक कर देता है, और जिसका फायदा उठाकर ग्रेसन वॉलर अपना फिनिशर डेक्स्टर लूमिनस पर कनेक्ट कर देते हैं और पिन करके मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आज के शो पर हमें डस्टिन रोड्स टैग टीम क्लासिक का फर्स्ट राउंड का मैच द ग्रीड ब्रदर्स वर्सेस ब्रिजिस एंड जेम्सन के बीच में मैच देखने को मिलता है। दोस्तों मैच की बात करें तो मैच काफी ठीक ठाक सा था, लेकिन मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है कि जब ग्रिड ब्रदर्स जेम्सन पर अपना टैग टीम फिनिशर लगा देते हैं और पिन करके मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आज के एनएक्सटी के शो पर हमें डैंटी चैन वर्सेस गुरुराज के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात करें मैच की तो मैच काफी अच्छा था, लेकिन मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है कि जब ड्यूक ह्यूडसन पीछे से आकर गुरुराज और डैंटी चैन दोनों पर अटैक कर देते हैं और डैंटी चैन पर अपना फिनिशर भी लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद आज के शो पर हमें टोनी डी एंजेलो रिंग में पीट डन का डेथ मेमोरियल करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों टोनी डी एंजेलो रिंग में आकर पीट डन की तगड़ी बेइज्जती करते रहते हैं। तभी वहां कार्मेलो और ट्रिक विलियमसन भी आ जाते हैं और टोनी डी एंजेलो उनकी भी तगड़ी बेइज्जती कर देते हैं। तभी हमें कैमरन ग्राइम्स दिखते हैं, जो कि रिंग में जाकर सीधा टोनी डी एंजेलो पर अटैक कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद आज के एनएक्सटी के शो पर हमें केली रे वर्सेस ईवा निल्स के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात करें मैच की तो मैच काफी ठीक ठाक सा था, लेकिन मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है कि जब रिंग साइड पर मैंडी रोज आ जाती है, जिससे केली रे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और जिसका फायदा उठाकर ईवा निल्स केली रे को रोल पिन करके मैच को जीत जाती है। लेकिन दोस्तों मैच की एंड हो जाने के बाद मैंडी रोज और उनकी टीम केली रे पर अटैक कर देती हैं। लेकिन दोस्तों तभी केली रे को बचाने के लिए इंडी हार्टवेल आ जाती हैं और मैंडी रोज के टीम पर अटैक कर देती हैं, जिससे मैंडी रोज को भागना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद शो पर हमें डस्टिन रोड्स टैग टीम क्लासिक का एक और क्वालिफाइंग मैच टीम फैंटास्मा वर्सेस मलिक ब्लेड एंड एरिस के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात करें मैच की तो मैच काफी अच्छा था, लेकिन मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है जब सेंटोस एस्कोबार पर ब्रॉन ब्रेकर पीछे से आकर अटैक कर देते हैं, जिससे टीम फैंटास्मा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और जिसका फायदा उठाकर एरिस रोल पिन करके मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आज के शो पर हमें मेन इवेंट मैच वॉल्टर वर्सेस रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात करें मैच की तो मैच रेसलिंग के हिसाब से काफी कमाल का था। मैच में हमें काफी हार्ट हिटिंग मूव्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है कि जब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपना फिनिशर वॉल्टर पर लगाने वाले होते हैं, तभी वॉल्टर रिवर्सल करके अपना फिनिशर कनेक्ट कर देते हैं और पिन करके मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों मैच के एंड हो जाने के बाद हमें द ग्रीड ब्रदर्स एंड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और इंपीरियम्स के बीच में एक तगड़ी ब्रॉल भी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर बात किया जाए आज के ओवरऑल एनएक्सटी के शो की तो शो अच्छा था, स्टोरी लाइन के हिसाब से शो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और आज के एनएक्सटी के शो को लेकर अगर आपके कुछ थॉट है तो नीचे वीडियो में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।